आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। नाना पटोले की याचिका पर हाई कोर्ट का नोटिस। नागपुर लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में कई तरह की खामियां होने तथा चुनाव अधिकारी की ओर से जिम्मेदारियों का वहन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नाना पटोले तथा सुरेश हेड़ाउ की ओर से हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई। याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अर्जी देते हुए याचिका में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा चुनाव को अन्य प्रत्याशियों को भी प्रतिवादी बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अतुल चांदुरकर ने अर्जी में सुधार के उपरांत प्रतिवादियों सहित अन्य को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुदीप जायसवाल वैभव जगताप ने पैरवी की। एडवोकेट जायसवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई नियमों का पालन नहीं किए जाने से मजबूरन याचिका दायर की गई। उन्होंने कहा, नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने पर इसमें कई जानकारियां छिपाए जाने का मामला उजागर हुआ, जिसमें मतदाताओं को गलत और भ्रामक जानकारी दी गई है जो पूरी तरह नियमों के विपरीत है। सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त आदेश जारी किए। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।